नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हिप्पो प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जो ड्रीम इलेवन ने अभी एक न्यू टूर्नामेंट को ऐड किया है अपने फुटबॉल लीग में। तो दोस्तों, ये टूर्नामेंट बहुत ही दिनों से खेला जा रहा है। अभी तक लगभग सभी टीमों ने 16-16 मैचेस खेल चुके हैं। तो इसके ऊपर आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ डिटेल्स, क्या किस प्रकार आपकी हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन, कौन सी टीम को आप ज़्यादा फेवर कर सकते हो, और ड्रीम इलेवन में आपके लिए कौन सा ग्रैंड लीग में बेस्ट कप्तान वाइस कप्तान हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को बोलना चाहूँगा कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। दोस्तों, 31 मेंबर्स की हमारी फैमिली है, अभी फ़िलहाल न्यू चैनल ओपन हुआ है, तो इन्हीं 31 मेंबर के साथ बिल्कुल फ्री में टीम पा सकते हो। तो दोस्तों, सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आपको सिंपली हिप्पो प्रेडिक्शन का जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। अगर लिंक ने काम नहीं किया तो आपको करना क्या है, सिंपली जाकर सर्च बार में हिप्पो प्रेडिक्शन डाल देना है, एकमात्र आपको हमारा चैनल दिखेगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। मैं यहाँ पर आपको फुल्ली पूरी अपडेट्स और स्मॉल लीग की टीम्स और मिनी ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना क्योंकि पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, निकारागुआ प्रीमियर लीग ईएसटी वर्सेस डायर यानी कि रियल स्टील वर्सेस डिलीजन के बीच में आज अब से कुछ 12 घंटे बाद ये मुकाबला खेला जाने वाला है। तो इसकी पूरी डिटेल्स बताता हूँ आपको मैं। 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया अभी तक इस टूर्नामेंट में और लगभग सभी टीमों ने 16-16 मैचेस खेल चुके हैं। तो वही अगर आप बात करें ईएसटी यानी रियल स्टील की, तो सेकेंड स्थान पर अभी तक मौजूद है, 16 मैचेस खेले हुए हैं, 9 विन किए हैं, 4 ड्रॉ और वहीं पर 3 लॉस के साथ सेकंड स्थान पर है। वही अगर बात करें तो ड्रैगन्स की यानी कि DIR, तो तीसरे स्थान पर है और सेम दोनों का ही सेम परफॉर्मेंस रहा है। तो दोनों टीमें इस टाइम इस टेबल में तो आपको सेम दिख रही है, मगर आप इनके प्रीवियस परफॉर्मेंस और हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी टीम को आपको फेवर करना है। रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ दोस्तों, तो ईएसटी टीम यानी कि जो रियल इसी टीम है, 2 ड्रॉ, 2 विन और 1 लॉस के साथ यहाँ पर आ रही है। वही DR की टीम अगर देखेंगे तो 3 विन और 2 लॉस के साथ यहाँ पर आ रही है। मगर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो DR की टीम परफॉर्मेंस में अच्छी है, मगर आप हेड टू हेड की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों ने अभी तक 84 मैचेस खेले हैं, चाहे फिर वो क्लब मैचेस हो या फिर कोई टूर्नामेंट के मैचेस हो। ईएसटी टीम 44 मैचेस जीती है और वहीं पर DR की टीम सिर्फ 15 मैचेस जीती हुई है और ड्रॉ 25 हुए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईएसटी टीम जो है वो हमेशा वन साइड हराती है DIR की टीम को। तो यहाँ पर दोस्तों 60% चांसेस जो है वो ईएसटी टीम के जीतने के है और वहीं पर 20% चांसेस जो है वो DR टीम के जीतने के है और 20% चांसेस ड्रॉ होने के है ये मैचेस, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, टीम आने का आपको हेल्प करेगा। प्रबल प्ले इलेवन की बात करें तो दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक नाम पढ़ने गया दोस्तों तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको थोड़ा सा बोर होगा। अब दोस्तों, टॉप पिक्स बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको लीग्स कौन सी ज्वाइन करनी है। आपको हेड टू हेड और अप टू 10 मेंबर्स यानी 10 मेंबर्स के ऊपर लीग्स को आपको ज्वाइन नहीं करना है इन मैचेस में, इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलना है मैचेस। हेड टू हेड लीग आप ज्वाइन कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट को मीडियम रखना है यानी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अब टॉपिक्स की बात करें तो दोस्तों, रियल स्टील की देखो तो आयरडिस अगर आप बात करें तो 9 गोल मार चुका है, वही कास्टेलो अगर बात करें तो 4 गोल मार चुका है और गुर्ज दोस्तों ये इंजर्ड हो गया है, 5 गोल मार चुका है। वही ड्रेजन टीम की बात करें तो झुंगल 8 गोल मार चुका है, अकुआ 4 गोल मार चुका है और फेटेस 2 गोल मार चुका है। अब क्या हो सकती है हमारी फाइनल टीम और किसको आप कप्तान वाइस कप्तान के प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने मार्गिया को स्टील के जो गोलकीपर है उनको अपने रखा है, 3 डिफेंडर जा रहा हूँ मैं स्टील के। अगर क्लीन शीट होता है मैच 0-0 होता है या फिर 1-0 होता है, स्टील अगर गोल मारती है तो आपको इजीली एक गोलकीपर 7-7-7 या फिर 8-8 पॉइंट दिलाकर दे देंगे, माफ़ कीजिएगा डिफेंडर। और वही मैंने टेलेस को जो अच्छा खासा एक मिडफील्डर का रोल निभाता है उसको मैंने डिफेंडर के तौर पर भी रखा हूँ। अब यहाँ पर तवानो, कस्टिलो, जुंगिया और अकुआ इन चारों को मैंने अपनी टीम में रखा है। तो दोस्तों, अब आपको वाइस कप्तान कप्तान का विकल्प कौन देता है। आयरिस को तो आपको कप्तान रखना ही है, एक सेफ कप्तान रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग के लिए। वाइस कप्तान आप तवानो को भी रख सकते हो और वहीं पर आप अकुआ को भी रख सकते हो। तो दोस्तों, ये हो सकती है आपकी स्मॉल लीग की टीम। जो भी अपडेट्स रहेंगे दोस्तों, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा
और उम्मीद करता हूँ जो भी भाई होगा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा। वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक और कमेंट छोड़ देना। धन्यवाद दोस्तों।